फ्रेंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं हूं प्रताप सबर नायक, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो आज का लेक्चर में हम सीखेंगे और पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। ये आपका CHSE और NCERT का क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। तो शुरू करने से पहले मैं डिस्कस करने वाला हूं एक मैटर। तो मैटर आप सभी को पता है, क्लास 8 में पढ़े हुए हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या है? एनीथिंग व्हिच हैज सम मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब हम एनवायरनमेंट में जो चीज देख रहे हैं सब क्या है? मैटर है। ये चौक, ये भी एक मैटर है। ये ये ग्लास, ये भी एक मैटर है। ये शॉट, ये भी मैटर है। तो जो भी आप देख रहे हैं सब कुछ क्या है? मैटर है। तो जो मैटर होता है उसका तीन प्रॉपर्टी और तीन नेचर होता है। एक तो वो सॉलिड नेचर होता है, एक गैसियस नेचर होता है और एक लिक्विड नेचर होता है। तो इस चैप्टर में हम उस मैटर का सॉलिड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो जो सॉलिड रहता है उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, चलिए उसको फास्ट पढ़ते हैं। जो सॉलिड है वो क्या है? दे हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। तो जो सॉलिड रहता है सब का कुछ मास रहता है, वो कुछ उनका कुछ वॉल्यूम रहता है, कुछ शेप रहता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक सॉलिड है, तो अगर इसको हम वेट लेंगे इसका, तो इसका कुछ वजन और कुछ वेट आएगा, 1 kg, 2 kg और कुछ ग्राम इसका कुछ वेट रहेगा। वॉल्यूम तो उसको भी कहाँ रखेंगे, तो उसका मतलब वॉल्यूम वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है वो पता चल जाएगा। उसके बाद शेप, ये हमको स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, कुछ शेप है, तो ये एक हमारा सॉलिड होगा। तो सॉलिड का ये तीन प्रॉपर्टी बहुत इम्पोर्टेंट है, मास, वॉल्यूम एंड शेप, याद रखना। दे हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या है? यहाँ आप देख सकते हैं इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस मतलब जो एक पार्टिकल है, यहाँ पर जो पार्टिकल इस कलर का एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है, तो आप देख सकते हैं दे आर वेरी क्लोज। वो दोनों क्या है? वेरी पास में। सपोज इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, तो बड़ा बड़ा सा, तो जूम करने सपोज इनके बीच कुछ डिस्टेंस आ रहा है, मतलब ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है ये हमारा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस। तो सॉलिड के केस में क्या होगा? इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस वेरी शॉर्ट होगा। क्यों? क्योंकि दे आर क्लोजली पैक, एक दूसरे के पास में है, इसीलिए इनका डिस्टेंस क्या होगा? वेरी वेरी शॉर्ट होगा। समझ में आ गया? उसके बाद इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके बाद इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? जो फोर्स दोनों पार्टिकल के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट होता है वो फोर्स को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो यहां मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूं कि एक इंटरमोलिकुलर फोर्स आता है और एक इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है। इंट्रा और इंटर, इंट्रा क्या है? अगर एक एटम और एक मॉलिक्यूल के अंदर एक दोनों एक फोर्स होगा तो वो होगा इंट्रामोलिकुलर। और इंटर क्या? अगर दो एटम्स के बीच में जो फोर्स हो रहा है वो होगा तुम्हारा इंटरमोलिकुलर फोर्स। दोनों के बीच होगा तो इंटर, एक में होगा तो होगा इंट्रा। तो यहाँ क्या होता है? बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहता है उसका पोजिशन क्या होता है? फिक्स्ड रहता है। यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है सॉलिड में उसका पोजिशन क्या है? फिक्स्ड है।
और दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजिशन। ये क्या होता है, वाइब्रेट होते हैं। ऐसे एक पार्टिकल है तो ये क्या होगा, ऐसे थोड़ा डिस्टेंस ऐसे वाइब्रेट होगा, इधर उधर वाइब्रेट होते रहेंगे। समझ में आ गया। तो जो सॉलिड रहता है उसका पोजिशन फिक्स्ड है एंड वो क्या होता है, वाइब्रेट होते रहते हैं। उसके बाद लास्ट और इम्पोर्टेंट और एक पॉइंट है, ये जो क्या है, दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड सॉलिड। अगर इस सॉलिड को मैं ऐसे प्रेस करूँगा तो ये क्या होगा, स्क्वीज नहीं होगा, जो जितना उसका है वो उतना ही रहेगा। डेट मीन्स ये क्या है, इनकम्प्रेसिबल नेचर का है एंड ये रिजिड है, हार्ड है बहुत। तो ये है हमारा 5 पॉइंट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। ये जो हमारा सॉलिड होता है उसका अगर अरेंजमेंट के व्यू से जाए तो उसको डिवाइड किया जाता है 2 टाइप्स का। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड। तो अगर अरेंजमेंट की बात की जाए तो सॉलिड्स आर ऑफ 2 टाइप, एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड। तो चलिए देखते हैं इन दोनों के बीच क्या क्या डिफरेंस है, चलिए देखते हैं। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका क्या होता है, दे हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ज्योमेट्रिकल सेट। उसका मतलब क्या है, इसके पहले हम देख चुके हैं जो सॉलिड रहते हैं उसका एटम्स और पार्टिकल्स क्या होता है, क्लोजली पैक होकर रहता है। और वहाँ क्या होता है, दे आर एक ऑर्डरली और सिस्टमेटिकली मैनर में प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस। एक पार्टिकल क्या होगा, एक सिस्टमेटिकली मैनर और एक ऑर्डरली मैनर पर रहेंगे। ये पूरा सिस्टमेटिकली रहेगा, सिस्टमेटिकली मतलब एक के बाद एक और पूरा ऑर्डरली मैनर पैक होंगे। लेकिन जो हमारा एमॉर्फस सॉलिड होता है वो क्या होता है, इरेगुलर शेप में रहता है, उसका कुछ रेगुलर शेप नहीं होता है इस टाइप का, मतलब एक के बाद और कहीं डिग्री हुए पड़ेंगे। ये इरेगुलर उसका शेप होता है, ये नॉट अनसिस्टमेटिक में रहता है। तो ये हो गया फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। दूसरा डिफरेंस क्या है, मेल्टिंग पॉइंट इज शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या है, जो सॉलिड और इसमें लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ क्या होगा, देखो जो बॉन्डिंग है हम देख चुके हैं सॉलिड में जो होता है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स रहता है। तो यहाँ क्या होता है, जो बॉन्डिंग रहता है एक एटम्स के बीच में, इसमें दो बॉन्डिंग रहता है इनके बीच में, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट मिलता है जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्योंकि दे आर ऑर्डरली मैनर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये अनसिस्टमेटिकली कोई ऑर्डर पे अरेंज नहीं है, इसीलिए इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं आएगा। तो दूसरा पॉइंट वही है कि इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, इसका नहीं है। उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ अगर इसको हम कॉट करेंगे, ये सॉलिड को अगर कॉट करेंगे तो क्या होगा, जो सॉलिड रहेगा ये क्या हुआ, एग्जैक्टली यहाँ पर दो प्लेन सरफेस मिलेगा आपको, मतलब ये जैसा दिखेगा दूसरा वाला भी वैसा दिखेगा, मतलब प्लेन सरफेस एक ही प्लेन में रहेंगे। तो अगर हम सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड को कॉट करते हैं तो इट गिव्स टू प्लेन सरफेस, मतलब दोनों का सरफेस क्या रहेगा, प्लेन रहेगा। तो लेकिन इसका इसको जब कटिंग करेंगे ये सेम टाइप का स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, ये सपोज एक ऐसा टाइप का आ रहा है कट करने से तो दूसरा कुछ ऐसा टाइप का आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इट डू नॉट गिव्स टू इक्वल और इरेगुलर और रेगुलर से, इट बाय कॉक्टेल इट गिव्स टू इरेगुलर से, रेगुलर से नहीं देगा कौन, एमॉर्फस सॉलिड। उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनिसोट्रोपिक इन नेचर। एनिसोट्रोपिक नेचर मतलब क्या है, अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज सपोज हमारा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जो भी फिजिकल
क्वांटिटी है और फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो वो अलग होगा, मतलब ये डायरेक्शन में जितना फिजिकल प्रॉपर्टी है ना उसका वैल्यू इस डायरेक्शन में उसका वैल्यू चेंज होगा, फिर अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, मीन्स दे आर एनिसोट्रोपिक इन नेचर। लेकिन हमें जब एमोर्फस सॉलिड में जाएंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी इस डायरेक्शन में जाएंगे जो वैल्यू आएगा इस डायरेक्शन में भी वही वैल्यू आएगा, इस डायरेक्शन में भी वही वैल्यू आएगा, इसीलिए जो हमारा एमोर्फस सॉलिड रहता है दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। उसके बाद लास्ट और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दे हैव डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन। ये हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन क्या होता है, जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है वो है फ्यूजन स्टेट। तो यहाँ क्या होगा, जो सॉलिड रहते हैं दे आर सिस्टमेटिकली अरेंज रहते हैं, इसीलिए इसका डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन है। लेकिन एमोर्फस सॉलिड के केस में क्या होगा, उनका जो एटम्स है पार्टिकल है सिस्टमेटिकली मैनर में अरेंज नहीं है, इसीलिए क्या हुआ, दे डू नॉट हैव डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये पांच इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच। नेक्स्ट हम अगर सॉलिड का टाइप्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू देयर बॉन्डिंग जो सॉलिड होता है वो टाइप्स में क्लासिफाइड है, वो क्या क्या है, एक तो है हमारा मॉलिकुलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड कोवेलेंट सॉलिड। तो जो सॉलिड है बेस्ड अपॉन देयर बॉन्डिंग चार टाइप का, एक है मॉलिकुलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड कोवेलेंट सॉलिड। अगेन अगर हम मॉलिकुलर सॉलिड का बात करें तो ये जो मॉलिकुलर सॉलिड है फिर ये बॉन्डिंग के बेस पे एक तीन टाइप का है, एक पोलर टाइप का मॉलिकुलर सॉलिड, नॉन पोलर टाइप का मॉलिकुलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेस्ड मॉलिकुलर सॉलिड। तो यहाँ पर क्या क्या डिफरेंस है चलिए देखते हैं। सपोज ये जो पोलर मॉलिकुलर सॉलिड होता है यहाँ पर क्या होता है, जो मॉलिक्यूल रहते हैं जो पार्टिकल रहते हैं उनमें क्या होगा, जो बॉन्डिंग हो रहा है, ये सपोज पोलर मॉलिक्यूल में एक पॉजिटिव चार्ज रहता है और एक नेगेटिव चार्ज रहता है, तो उनके बीच में जो बॉन्ड होगा बॉन्डिंग होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो ये थोड़ा ऐसे पोलराइज हो जाएगा। सिमिलरली ये भी थोड़ा क्या होगा, इसमें हम ये भी थोड़ा ऐसे पोलराइज हो जाएगा, ये भी थोड़ा पोलराइज हो जाएगा। जब पोलराइज हो जाएंगे दोनों, इसमें कौन सा फोर्स चलेगा, डायपोल, ये भी हो जाएगा हमारा डायपोल। तो यहाँ पर पोलराइज, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों के बीच जो फोर्स रहेगा उस फोर्स को बोलेंगे डायपोल डायपोल बॉन्डिंग। तो यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स रहते हैं उनमें क्या होता है, डायपोल डायपोल टाइप का बॉन्डिंग रहता है। डायपोल मीन्स एक पोल पॉजिटिव है दूसरा पोल क्या है नेगेटिव। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा HCl, HCl, तो ये सब इसका एग्जांपल हो जाएंगे। उसके बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट के बाद करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा नॉन पोलर में क्या होता है, सपोज जो मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं ये क्या होता है, यहाँ पर सिमिलर टाइप का एटम सपोज है, तो यहाँ क्या होगा, ये दोनों पोलराइज नहीं होंगे, सो ये डू नॉट पोलराइज, डू नॉट पोलराइज। तो अगर पोलराइज नहीं होंगे तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगा वो किस टाइप का बॉन्डिंग होगा, तो ये लॉन्डा और डिस्पर्सन फोर्स बोलते हैं इसको, डिस्पर्सन लॉन्डन फोर्स। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन आता है वो बॉन्डिंग के ऊपर आता है, तो आपको ये बॉन्डिंग याद रखना है। मॉलिकुलर सॉलिड का एग्जांपल क्या है, HCl, HCl, यहाँ पर बॉन्डिंग क्या है, डायपोल डायपोल बॉन्डिंग।
मॉलिकुलर सॉलिड में जो आता है नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, वहां पर बॉन्डिंग क्या है, डिस्पर्शन और लंडन फोर्स। तो इसका एग्जांपल क्या है आपका, हो जाएगा H2N2I2 CCl4 CO2, ये सब इसका एग्जांपल है। ये जो मॉलिक्यूल है सब क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता है आपको, जहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उस बॉन्डिंग को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा आइस, आइस जो वाटर का जो सॉलिड फॉर्म। तो यहाँ पर ऐसे एक सपोज ये एच है, ये फिर से ओ है, ये सपोज फिर एच है। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगा, तो ये जो बॉन्डिंग होगा ये किस टाइप का बॉन्डिंग होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये बॉन्डिंग हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपको पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में अगर जो स्मॉल इंटरेक्शन होता है उस इंटरेक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर एग्जांपल आइस, तो मॉलिकुलर सॉलिड में तीन टाइप का बॉन्डिंग है, एक तो है डायपोल डायपोल बॉन्डिंग, एक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक है लंडन और डिस्पर्शन फोर्स। हो गया, ये आपको याद रखना है, सब क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। पोलर में डायपोल डायपोल, नॉन पोलर में डिस्पर्शन और लंडन, हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड में रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट चलिए देखते हैं आयनिक सॉलिड क्या होता है। तो आयनिक सॉलिड क्या होता है आपको पता है, एक कैटायन रहेगा, एक कैटायन और एक एनायन, दोनों के बीच जो इंटरेक्शन होता है एक है आपका आयनिक सॉलिड। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन होता है उस इंटरेक्शन को बोलते हैं कूलम्बिक इंटरेक्शन, कूलम्बिक। ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे, तो जहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रहता है और एक नेगेटिव चार्ज रहता है वहाँ पर जो अट्रैक्शन होता है उस अट्रैक्शन और जो फोर्स रहता है उस फोर्स को बोलते हैं कूलम्बिक फोर्स, और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो सॉलिड रहेंगे उसका कैटायन और एनायन दोनों क्या होगा, आसपास होंगे और दोनों के बीच एक इंटरेक्शन होगा, उस इंटरेक्शन बोलेंगे कूलम्बिक इंटरेक्शन। तो यहाँ पर एग्जांपल क्या होगा, यहाँ पर एग्जांपल हो जाएगा आपका NaCl, उसके बाद हो जाएगा सीजियम क्लोराइड, ZnO, ZnO। नेक्स्ट चलिए देखते हैं तीसरा टाइप का सॉलिड, दैट इज मेटालिक सॉलिड। तो मेटालिक सॉलिड में क्या होगा, वो मेटल रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा Au है, Ag है, आयरन है, कॉपर है, तो ये सब मेटल रहेंगे। तो यहाँ पर जो मेटल है इस टाइप का मेटल रहेंगे। तो यहाँ पर सबको ये Au है, ये भी Au है। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगा, अब जिस टाइप का यहाँ पर जो इंटरेक्शन देखेंगे वो क्या होगा, मेटालिक टाइप का इंटरेक्शन। तो जो बॉन्ड रहता है उसको मेटालिक बॉन्ड बोला जाता है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड रहेगा क्या होगा, मेटालिक बॉन्ड रहेगा। तो दोनों मेटल के बीच में बॉन्ड होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। और इसमें इतना और कुछ नहीं है, ये सब वो मेटल का एग्जाम्पल है, ये सबको थोड़ा याद रखना। लास्ट में आता है आपका कोवेलेंट सॉलिड। तो कोवेलेंट सॉलिड क्या होता है, जहाँ पर बॉन्डिंग क्या होता है कोवेलेंट टाइप का, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड पता है आपको पहले से पढ़े हो कि जहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ जो सॉलिड होंगे वहाँ पर क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। तो यहाँ पर जो सॉलिड होता है यहाँ पर क्या होगा, जो आपको पता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है वहाँ पर क्या बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड होंगे वो इस टाइप का बॉन्डिंग होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगा हमारा ये हो जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। तो एग्जांपल क्या क्या होंगे आपका, एग्जांपल होंगे बेस्ट एग्जांपल ग्राफाइट, ग्राफाइट फिर डायमंड,
SiO2, सिलिका, क्वार्ट्ज, ये सब क्या है? एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट सॉलिड। तो यहाँ पर जो बॉन्ड रहता है कोवेलेंट बॉन्ड रहता है। अब जनरल नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मॉलिकुलर सॉलिड का इतना मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो रहता है, आयनिक सॉलिड का थोड़ा हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है, मेटालिक सॉलिड का फेयरली हाई रहता है एंड कोवेलेंट सॉलिड का वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है। तो ये तो हो गया आपका बॉन्डिंग इन सॉलिड। तो आज का लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।